أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى. तो गाइस अभी बस जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ के जी अपना घर, वो आगे मेरा घर है। ये एक लाइन ये वाली ब्लॉक वाली देख रहे हो, एक ये लाइन और एक ये नीचे लाइन है ब्लॉक वाली, ये सारी मुझे तोड़नी है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग शुरू करें अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान ने आया तो रहम करने वाला है। तो आज का कुछ उसी ने अभी सुबह का टाइम है मैं उठाऊँ। तो ये कवर था जो मैं कल वाले ब्लॉग में लेके आया था, आपको कैसा लगा? जस्ट डू इट कवर के पीछे लिखा हुआ है और ये आईफोन के दो लेंस भी लगे हुए हैं साथ में, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ तो चैलेंज नहीं, आज चैलेंज नहीं, आज चैलेंज वाली गेम इंशाल्लाह खेलेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना चैलेंज वाली गेम हम खेलें या नहीं खेलें। तो गाइज जोया कह रही थी, मैं आपको दो तीन क्लिप्स दिखाऊंगा। जोया कह रही थी कलर्स लेके दो, कलर्स लेके दो। तो जोया कलर्स दिखाओ जो कलम लेके आए थे। अच्छा ये वाले कलर लेके दिए थे जोया को, एक ये छोटा हो गया ऑरेंज वाला, कोई बात नहीं। जोया कलर आपको पसंद आए? जी गजब बेइज्जती है। वैसे तो कलर आपको पसंद आए ना, अच्छे है ना, तो इसलिए मैं जोया को कल लेके गया था क्योंकि यार सही नहीं है ना ये कलर लेके आऊं मैं फिर जोया को पसंद ना आए। तो गाइस अभी जोहर नमाज का टाइम हो गया है तो अभी जल्दी से वजू कर लेते हैं और पढ़ते हैं जी नमाज जोहर की। आज आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा मैं, तो अभी जल्दी से वजू कर लेते हैं। तो गाइस ये मस्जिद के पास में आ गया हूँ मैं बिल्कुल ही, बाकी मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा ग्राउंड है, लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वो अपना अंदर मस्जिद। तो अभी चलते हैं अंदर मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. तो गाइस अभी नमाज पढ़ के घर जा रहा हूँ, तो वो सामने मेरा घर है तो अभी घर चलते हैं, बैठता हूँ। कोई काम तो है नहीं करने के लिए, क्या करें यार। तो गाइस अभी रात हो गई, सारा दिन कोई कंटेंट ही नहीं था बनाने के लिए, तो अभी बस जा रहे हैं हम दोस्तों के पास। तो मेरे साथ जोएब भी आया है गाँव से। भाई क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने व्लॉग में बोला था कि जोएब के पास जाओ आपको चाय वगैरह हर चीज़ फ्री मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से जोएब का जी अपना कैफे ही बंद हो गया। जोएब कैफे ही बंद करवा गया? हाँ भाई, सौ से पता नहीं कैसे। अच्छा। और इसको सारा दिन मेरी वाईफाई चलाना, बस तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। क्या करें बंदे पड़ोस के बेचारे गरीब हैं, वाईफाई चलाने देता हूँ इनको। तो अभी जा रहे हैं उनके पास, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं होटल पे, तो अभी चलते हैं आपको वहाँ का सीन वगैरह दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी इधर दुकान पर रुक गए हैं, तो जोएब को अपनी टाटा नस्वार लेनी थी। तो गाइस अभी रास्ते में हम तो अभी जा ही रहे हैं और पीछे जोएब बैठा। जोएब मजा आ रहा है? हाँ यार। तो अच्छा हमारे अभी इधर के ये माहौल चल रहा है कि मोबाइल अपना चलाओ रास्ते में, तो मोबाइल भाई पता ही नहीं गुम हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ भी नहीं होगा। बाकी ये रास्ते का व्यू है, बाइक मेरी देख सकते हो फुल खटारा, और ये अपना रास्ता बना हुआ है देख सकते हो, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है शक्कर बैराज ब्रिज का। अब इतना लंबा नेम में क्यों लेता हूँ यार, छोटा सा बोल लेता शक्कर पुल का, नहीं भाई शक्कर बैराज ब्रिज। तो गाइस हियर इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल तो बस गए थे दोस्तों के पास, लेकिन यार वहाँ पर जाके मतलब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो अभी अपना कैप वगैरह मैंने कैप वगैरह पहनी है, तो नया सूट भी पहना है। आप सोच रहे होंगे कि इसने क्यों पहना है नया सूट और नई कैप, तो इस वजह से मैंने पहनी है कि आज है जी जुम्मा, तो मेरी दिल की गहराइयों से आपको जुम्मा मुबारक। तो अभी चलते हैं नमाज पर, नमाज पढ़ के फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा सा काम है, तो अभी मैं आपको बाहर एक काम दिखाता हूँ तो वो मुझे लाजमन करना है। ये एक लाइन ये वाली ब्लॉक वाली देख रहे हो, एक ये लाइन और एक ये नीचे लाइन है ब्लॉक वाली, ये सारी मुझे तोड़नी है। लेकिन अबू आए रात को, तो रात को पूछ लूँगा, तो इंशाल्लाह ये कल वाले व्लॉग में है, मैं आपको सारा कुछ तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे तोड़ता हूँ। तो अभी फिलहाल घर वालों ने कपड़े धोए हुए थे, ये पड़े हुए, तो अभी बस निकलते हैं नमाज पे, देखते हैं कौन कौन आया है और मैं आपको अपना मस्जिद वगैरह भी दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं, बाकी ये कुछ पड़ोस के सीन है। तो गाइस अभी बस जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ के जी अपना घर, वो आगे मेरा घर है, तो अभी बस चलते हैं यार। गर्मी इतनी है, ऊपर सूरज मामा बिल्कुल ऊपर है, इतना ही मतलब तपश दे रहा है, इतना वार्म हुआ पड़ा है मौसम, मैं आपको क्या बताऊं। बाकी ये हमारे पड़ोस का सरकारी स्कूल देख सकते हैं आप,
तो गाइस अभी नमाज वगैरह पढ़ के आए, तो बस अभी और कुछ है नहीं करने के लिए, तो हमारा कंटेंट बन गया, तो कोई मसला नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करें, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।